राग बागीस्त्री की एक आसान सरल बंदिश, इसको बंसी में कैसे आसानी से बजा पाएंगे, इसका ऊपर ट्यूटोरियल क्लास दे रहा हूं। इससे पहले आइए मैं मेरा परिचय देता हूं। प्रणाम, मैं हूं प्रदीप कुमार पाइक, संबलपुर जिला उड़ीसा के निवासी, बंसी का एक छोटा सा कलाकार जो आपको बंसी वादन सिखाने की दुस्साहस करता हूं। अगर गलती से भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। स्वागत करता हूं मेरे और आपके इस चैनल प्रदीप कुमार पाइक द म्यूजिक पर, जहां पर मिलता है म्यूजिक रिलेटेड कई सारी लर्निंग वीडियो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। दोस्तों, अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, बंसी वादन सीखना चाहते हैं, कीबोर्ड बजाना सीखना चाहते हैं और इस चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और साइड में है बेल आइकन, उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। आइए अब जानते हैं ये राग बागेश्वरी होता क्या है। दोस्तों, किसी भी राग को जानने से पहले, किसी भी राग को सीखने से पहले हमें उसका परिचय जानना पड़ेगा। राग बागेश्वरी, इसके लगने वाले स्वर कौन कौन सा है, आरोह अवरोह में कौन कौन सा स्वर लगते हैं, पकड़ क्या है, इसका जाति क्या है, कौन से थाट से लाया गया है इस राग, आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले जानते हैं इस राग की आरोह अवरोह। इस राग की आरोह है नी सा गामा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, यह है अवरोह। ये आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं इसके लिया हूं नेचुरल सी के फ्रूट भी है नेचुरल सी। पहले सा को मिलाएंगे, साइड में एक तानपुरा का साउंड सुनाई दे रहा है। तानपुरा कहां पर मिलेगा, आपकी मोबाइल में जाइए, वहां पर प्ले स्टोर में तानपुरा का सर्च कीजिए, कोई भी तानपुरा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपनी जो स्केल है फ्लूट का उसी का सा देके आप पहले सा मिलाइए, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिएगा। राग बागेश्वरी की आरोह में लगता है नी सा गामा धानी सा, कोमल नी कोमल गा। आरोह में रेश्वर और पास्वर वर्जित होता है राग बागेश्वरी की आरोह में। इसका अवरोह में सातों स्वर लगते हैं, जब पा लगाया जाता है यह वक्र रूप में लगाया जाता है। कैसे, सानी धा पा नहीं लग रहा है, सानी धा मा पा धा, सानी धा पा डायरेक्ट नहीं लगेगा, मा पा धा ऐसा लगेगा, ये बोलते हैं वक्र रूप। सानी धा मा पा धा मा गा रे सा, क्योंकि इस राग की आरोह अवरोह में कोमल गा और कोमल नी स्वर का प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए ये राग काफी थाट से लाया गया है। काफी थाट, अगर काफी थाट क्या है आप नहीं जानते हैं, इस वीडियो के टॉप राइट साइड कॉर्नर में एक आई बटन दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक कीजिए तो थाट क्या होता है, काफी थाट क्या होता है, इसका ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो पहले से बना चुका हूं, इसको आप देख सकते हैं। इसका पकड़ है मागारे मागारे
सा। राग बागेश्वरी, राग बागेश्वरी को राग बागेश्वरी भी कहा जाता है, जो माँ सरस्वती की दूसरा नाम है। राग बागेश्वरी की बादी है माँ यानी कि मध्यम, और समबादी है सा यानी कि सड़ज। जाति है औड़प संपूर्ण, क्योंकि इसके आरोह में पांच सुर लग रहे हैं। निसा गामा धा, सागा मा धानी, 1 2 3 4 5, और अवरोह में सातों स्वर लग रहे हैं, इसलिए इसका जाति है औड़प संपूर्ण। इसका गायन या वादन समय है मध्य रात्रि। इस राग में कोमल गा और कोमलनी का प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए ये राग है काफी थाट से लाया गया है। अब देखते हैं इसका बंदिश। बैकग्राउंड में एक साउंड सुनाई दे रहा है तबला का, ये बज रहा है त्रिताल, 16 मात्रा के ताल होता है। त्रिताल 140 BPM में मैं बजा रहा हूं, इसके ऊपर आपको बताऊंगा ट्यूटोरियल क्लास। देखिए दोस्तों, अगर आप त्रिताल क्या है नहीं जानते हैं, इसका ताली खाली मात्रा नहीं जानते हैं, अभी जो टॉप कॉर्नर राइट साइड में एक आई बटन दिखाई दे रहा है उसे क्लिक कीजिए, तो आपको दिखाई देगा त्रिताल क्या होता है। मैं पहले से जो वीडियो बनाया हूं, ये राग बागेश्वरी का बंदी स्टार्ट करेंगे 9 नंबर मात्रा से। अब जानते हैं ये त्रिताल, इसका बोल देने सुनिए। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन ता, ता दिन दिन धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 9 नंबर ये खाली है, 9 नंबर मात्रा से हम ये बंदिश स्टार्ट करेंगे। पहला दो लाइन बंदिश का जो रहता है इसे बोलते हैं स्थाई, और दूसरा जो लाइन इसका नीचे स्थाई का नीचे जो लाइन रहता है उसे बोलते हैं अंतरा। पहला का स्थाई या मुखड़ा, इसका बाद में जो नीचे आता है वो बोलते हैं अंतरा। हम पहले मुखड़ा और यानी कि स्थाई को हम देखेंगे। दोस्तों जो मैं नोटेशन बोलूंगा वो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, कैपिटल लेटर में दिखाई दे रहा है। कैपिटल लेटर मतलब वो है शुद्ध स्वर, और स्मॉल लेटर मतलब कोमल स्वर। जैसे कि सा, इसका मैं लिख दिया हूं एस, रे इसको लिख दिया हूं आर, गा इसमें कोमल गा लगते हैं, इसमें कोमल गा को आपको बताने के लिए दिया हूं स्मॉल जी, स्मॉल लेटर जी। मा मतलब एम, पा मतलब पी, धा मतलब डी, नी कोमल नी लग रहे हैं, कोमल नी मतलब स्मॉल लेटर का नी। आइए अब देखते हैं राग बागेश्वरी की ये बंदिश। से स्टार्ट हो रहा है, मतलब खाली से स्टार्ट हो रहा है। आप कैसे जानेंगे ये कौन सा मात्रा है, एक है कि दो की चार की नौ है, एक बोल, इस बोल में हम जानेंगे ये कितना नंबर मात्रा है। टट धिन धिन दा, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन ता, टट धिन धिन धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है नौ नौ मात्रा, वहीं से आप ये बंदी स्टार्ट करेंगे। ढिंदिंदा, ढिंदिंदा, ढिंदिंदा।
धातिन दिंदा धातिन दिंदा धातिन दिंदा ताति दिंदा सोलह मात्रा ये त्रिताल की ताल भी बोल भी लिख दिया हूँ, नंबर भी लिख दिया हूँ, आप उसको सुनिए। ताल अपनी मोबाइल की प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर सुर साधक एक ताल आता है, उसको आप डाउनलोड कीजिए। मैं अगर सुर साधक का लिंक आपको चाहिए, मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, उससे आप क्लिक करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके आप ताल के साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए दोस्तों, ताल बिना प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखिए दोस्तों, ताल बिना आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही नहीं रहेगा, ताल के साथ प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। स्थाई का दूसरा लाइन है, क्या हो रहा है? अंतरा दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 9 नंबर मात्रा में। अगर आप ऐसे उंगली में काउंट करके भी आप बजा सकते हैं, ये गणित भूल नहीं होगा, गलत नहीं। आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, धा 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 नि सा नी धा मा पा धा पा धा रे गा मा, धा 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 नि सा नी धा मा पा धा पा धा रे गा मा। आइए इस राग को टोटल स्थाई अस्थाई मुखड़ा और अंतरा इसको मिला के आपको बजा के सुना रहा हूं।
ये था राख, बागेश्वरी के ऊपर एक छोटा सा बंदिश। देखिए दोस्तों, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस बंसी बजाने में जो है, मैं आपको ऐसे यूट्यूब में दे दे रहा हूँ। ये सब पाने के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है। मैं भी क्या हूँ, आपको दे रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे भी शांति मिलता है। अगर दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए, नोटेशन को याद कीजिए, नहीं होता है। मैं ऑनलाइन क्लास भी ले रहा हूँ, पर्सनली भी सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं दूसरा एक सुंदर सा वीडियो में। तब तक मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।